أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم और अलबत्तः अगर ले आओ तुम तुमे नबी अहल किताब यहूदियों और ईसाइयों की तरफ़ इशारा है के पास दी गई किताब की तमाम निशानियाँ फिर भी वो नहीं इतबा करते यानी पैरवी करेंगे तुम्हारे कबिले की और ना ही तुम्हें नबी सल वसलम पैरवी करने वाले हो इनके कबले की और नहीं है इनमें कारागर कारा और नहीं है इनमें इनमें का ग्रोह कोई तैयार जो पैरवी करे दूसरे गिरोह के कबले की और कहें कहीं तुमने ए नबी अपना लिया इन यहूदियों यानी यहूदियों और ईसाइयों की ख्वाहिशात को इसके बाद भी आ चुका है नाजिल हो चुका है तुम्हारे पास अल इल्म यानी वही रबी तो यकीनन तुम भी शुमार हो गए ालिमों और नाफ़रमानों में से सो अल्लाह सोमियाँ बता रहे हैं अल्लाह तआला बता रहे हैं कि यहूदी और ईसाई के पास सारी निशानियाँ हैं और हमने तुम्हें भी ये निशानी मोहम्मद वसल्लम वही रब्बी भेज दी है तो तुम इतवा ना करो उनकी उस ग्रोह की आ, यानी तुम पैरवी करो जो तुम्हें बताया जा रहा है क्योंकि आपके पास ये इल्म वही आ चुका है वरना तुम भी जालिमों और नाफरमानों में शुमार हो जाओगे सो पारा से आकुल दूसरा पारा सुरबरा जारी है और दूसरे पारे में दाखिल हो चुकी है क्योंकि इसमें 286 आयत है और अभी हम है 145 अभी आपके सामने 145 आयत की आयत नंबर 145 की तिलावत की गई अब हम 146 आज हम करेंगे 145 से 149 तक 145 से 149 तक अजीना तुम किताब या फूना फरी तुम अलहो वो लोग जिन्हें दी है हमने किताब यानि तोरात और अंजीर यहूदियों और ईसाइयों की तरफ इशारा है, पहचानते हैं इस कबले को ऐसा जैसे पहचानते हैं अपनी औलाद को और यक़ीन एक गिरोह उनमें से है जो छुपाता है हक़ यानि सच्चाई की बातों को जबकि वो जानते हैं कबले की हकीकत को अच्छी तरह आयत नंबर 147, मिन फ़ला अन्ना मिन अल मुम्तरीन। ये हक है कतई तेरे रब की तरफ से तो तुम ए नबी अलैहि वसल्लम नहीं होना हरगिज़ शुभा करने वालों में से आया नंबर 148।

तो तुम पालोगे अल्लाह तुम सबको यकीन अल्लाह है कुल्ले शाइन कदीर यानी अल्लाह तमाम चीज़ों पर मुकम्मल कुदरत रखता है आया नंबर वन फोर्टी नाइन है और जिस मकाम से भी गुजर हो तुम्हारा तो करो सिमत नमाज में चेहरे की मस्जिद की तरफ यकीन यही हक है और यही फैसला है तुम्हारे रब की तरफ से और नहीं है अल्लाह गाफिल तुम्हारे एमाल से जो तुम करते हो सो आज आपके सामने पारा नंबर दो पारा सियाकुल सूरा अलबकरा आयत नंबर 145 से 149 तक की तिलावत की गई तो इन तमाम आयतों को और इनके तर्जुमों को जहन नशीन रखें बार बार पढ़िए एक दफ़ा फिर हम याद दिला दें कुरान शरीफ़ की पहली सूरत सूरा अलफात उसमें सात वर्सेज़ हैं सैवन वर्स सूरतफ़ात में दूसरी सूरत अलबरा जो अभी चल रही है हम पढ़ रहे हैं अभी सूरहलबरा दूसरी सूरत है पहली सूरत सूरफ़ात ये मक्की है दूसरी सूरत सूरतलबकर मदनी है इसमें टू एटी सिक्स वर्सेज़ हैं दो सौ छियासी दो सौ छियासी वर्सेज़ हैं अभी हम इसकी तलावत और इसके तर्जुमे को देख रहे हैं मुसलसल और ये पारा से अब हमारा शुरू हो चुका है लेकिन अलबरा अभी दूसरे पारे में दाखिल हो चुकी है सूर्य अलबरा सबसे लंबी सूरत है इसमें टू एटी सिक्स सूरत है तीसरी सूरत जो है वो सूर्यमरान है वो भी मदनी है सूर्य बकरा भी मदनी है भी है सूरमरान में दो सौ वर्ष हैं पहली सूरत सूरह फातः सेवन वर्ष जो हम हर रमाज में पढ़ते हैं दूसरी सूरत अलबकर एट टू एटी सिक्स वर्सेज़ तीसरी सूरत अल अमरान मदनी है दो सौ वर्सेज़ या दो सौ आयात व मालबलाजीम